हमारा देश आस्था और धर्म से जुड़ा देश है। यहाँ लोग पत्थरों को भगवान मानकर पूजा करते हैं, उस पर फूलों की माला चढ़ाते हैं और चंदनों का लेप लगाते हैं, और तो और उस पत्थर से लोग मन्नतें भी मांगते हैं। ऐसा ही नज़ारा हमें बिहार के मधुबनी से देखने को मिला है। वैसे तो बिहार का मधुबनी पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में है, जिसके चलते वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन इसी बीच यह इलाका एक बार और चर्चाओं में आ गया है। इस चर्चा का मुख्य कारण है बीते सोमवार को यानी 22 जुलाई को आसमान से गिरे पत्थर का। मालूम हो कि मधुबनी में बाढ़ की परेशानी के बाद एक और अजीबोगरीब दृश्य ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। जिले के लौकही थाना स्थित कोरियाही गांव के भगवानपुर चौक में धान के खेत में अचानक आसमान से 15 किलो का पत्थर गिरा। उस पत्थर की आवाज़ लगभग 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। माना जा रहा है कि यह पत्थर किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा है और यह किसी उल्का से गिरा अवशेष हो सकता है। वहां मौजूद ग्रामीणों की माने तो खेत में आसमान से तेज आवाज के साथ एक पत्थर गिरा और राम इकबाल मंडल के खेत में कुछ फीट नीचे धस गया। वहां के लोगों का ये दावा है कि पत्थर गिरने वाली जगह पर कुछ देर के लिए सफेद धुआं देखने को मिला था और पत्थर से धसने वाली जगह कुछ समय के लिए गर्म हो गई थी। इस अजीबोगरीब घटना से आश्चर्यचकित होकर प्रत्यक्षदर्शियों में सुभाष कुमार, प्रदीप कुमार सहित कई लोगों ने तत्काल पत्थर धसने वाली जगह पर खुदाई कर उस पत्थर को बाहर निकाला, जिसके बाद इस घटना की जानकारी मिलते ही पत्थर को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और वो पत्थर को लेकर के पूजा अर्चना करना शुरू कर दिए। लोगों की माने तो आसमान से पत्थर गिरने के साथ तेज आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। लोगों ने बताया कि पत्थर में चुंबकीय गुण भी है। चलिए, यहाँ तक तो आपने जाना पत्थर को, लेकिन हम आपको बताते हैं इस पत्थर के पीछे का रहस्य। उल्का पिंड हो सकता है ये पत्थर। दैनिक जागरण में छपे खबर की माने तो भूगोल वेत्ता के अनुसार ये घटना उल्का पिंड गिरने की घटना हो सकती है। स्थानीय रामकृष्ण महाविद्यालय के भूगोल विभाग के अतिथि शिक्षक प्रोफेसर अमित कुमार ने इस संबंध में कहा कि उल्का पिंड ग्रह के टुकड़े होते हैं तथा ये स्वतंत्र अवस्था में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद होते हैं तथा ये घूमते घूमते कभी पृथ्वी के ग्रेविटी शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। आमतौर पर वायुमंडलीय घर्षण से यह आसमान में ही जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़े आकार में पृथ्वी पर गिरने के समय पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और बचा हुआ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। आइए जानते हैं उल्का पिंड कैसे बनते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती में या अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो एक दूसरे से टकरा नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाने के कारण एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाते हैं और ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। ग्रहों में टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है तो वो किसी न किसी ग्रह के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके चलते बहुत सारी हानियां भी होती हैं। आसमान से गिरे इस पत्थर के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पत्थर को बिहार के नए संग्रहालय में रखा जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी वायरल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।